So this is a complete web page. Okay. So here is po.html. And here is email hyperlink. Okay. With apc@gmail.com. So complete web page I'm going to discuss here. क्या लिस्ट आइटम हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग में. हाँ, अब हमारे पास है स्टार्ट विद HTML टैग. ठीक है, इन केस इन गाइडलाइंस टाइटल इज गिवन तो आपने वहां पे टाइटल देना है. ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं दिया बिकॉज देयर इज नो एनी गाइडलाइंस. मैंने गाइडलाइंस नहीं लिखी यहां पे. तो देन स्टार्ट विद द कैटेगरी टाइटल. सपोज इट इज ए सीबीएसई एग्जाम्स. क्लोज टाइटल टैग. देन क्लोज हेड टैग. Then close, then start body tag. फिर इन body tag paper में जो instruction हो सकती है like change background color, तो you will use BG color. तो वहां पर अगर लिखा हुआ background color red, तो यहाँ पे अपने use करना है BG color equal to red. In case there is an image set as a background, वहां पर लिखा होगा कि suppose image.jpg file as a background. तो हमने लिखना है background equal to abc.jpg. यहां तो bg कलर होगा. ठीक है, bg कलर इक्वल टू रेड. ठीक है, इन केस एनी इमेज गिवन उसको आपने सेट करना है एज ए बैकग्राउंड. देन यू विल टेक हियर बैकग्राउंड इक्वल टू abc.jpg लाइक दिस. क्लियर. इन केस फॉन्ट का कलर चेंज करना है आपने, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर इज ब्लैक, तो टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू. कंप्लीट वेब पेज टेक्स्ट विल बी ऑफ ब्लू कलर. ठीक है, विच एट्रीब्यूट टेक्स्ट. ठीक है, तो बीजी कलर बैकग्राउंड टेक्स्ट. देन द कलर ऑफ दीज हाइपरलिंक्स. There are three type of links, A link, V link and a link. तो अगर लिखा हुआ पेपर में कि active link का कलर रेड होना चाहिए तो आपने क्या करना है, A link equal to red. Clear? और there are two more attribute of body tag. One is top margin, another is left margin. लेफ्ट मार्जिन बिना स्पेस के लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 20 और 30 पिक्सल्स. ओके, तो आपने देना है. तो मार्जिन्स वी डिस्कस हियर जो एट्रीब्यूट्स, वन इज बीजी कलर, सेकंड इज बैकग्राउंड, थर्ड इज टेक्स्ट, फोर्थ इज ए कलर ए लिंक, देन वी लिंक, देन लिंक, देन टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन. टोटल 8 एट्रीब्यूट्स. क्लियर. नाउ after that there is a one then cbse, there is a in a heading level likha hoga wahan pe heading level 1 or heading level 2. theek hai, and it is in the center, so you will use your h1 align equal to center. theek hai, cbse and then close h1. हाँ, फिर क्या होगा कि यू कैन यूज योर सेंटर टैग देन h1 ले लो. फिर आपको सी योर चॉइस की क्या आपने लेना है. ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस. देन देयर इज अ वन लाइन, तो देयर इज ए एचआर एंड एचआर हैज एट्रीब्यूट्स
color to change the color of line. Number two, size. Okay, size is used for increasing the height. ठीक है, देन विड्थ. ठीक है, विड्थ, ये विड्थ है आपकी. ठीक है, देन अलाइन. अलाइन तभी होगा जब आप विड्थ लगाओगे. विड्थ अगर कम होगी, अगर विड्थ इज कंप्लीट लाइन इज देयर, देन नो मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट. क्लियर? तो एट्रीब्यूट्स आर अलाइन, कलर, साइज, विड्थ एंड नो शेड. ठीक है, तो नो शेड इज वर्किंग इफ कलर इज नॉट गिवन. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट, यस मैडम, लिसन, बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर विल बी देयर. ठीक है, आप नो शेड करोगे तो जो बैकग्राउंड का कलर है उसमें लाइन में कलर आ जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, देन यू हैव गिवन हियर एग्जाम्स ऑफ क्लास. एग्जाम्स ऑफ क्लासेस. ओके बेटा, यू हैव गिवन हियर द लिस्ट. ठीक है, फॉर लिस्ट चेक द लिस्ट, इट इज ओएल ऑर्डर लिस्ट. बाय डिफॉल्ट नंबर इज हियर. ठीक है, इफ इन दिस इन प्लेस ऑफ नंबर्स हियर इज ए एबीसी, देन यू विल टेक ओएल टाइप इक्वल टू कैपिटल ए. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहां पे स्टार्ट विद ओएल. ठीक है, By default 1, 2, 3 is here, so no need to use type attribute. But type attribute is required whenever you are using other numbers like a, b, c, small a, ठीक है, small i, Roman के लिए capital I. ठीक है, in that case you will have to type like type equal to, here I am taking cap 1. By default it is 1. ठीक है, 1 की जगह capital a, capital I, small i. And one. These are total how many values? 5 values are there. In case it is starting from 4, start equal to 4. अगर A B C है तब भी लिखना है start equal to 4. वो कहाँ से start होगा? E से. ठीक है, A B C D से आएगा start. ठीक है, fourth character is D. ठीक है. बेटा उसके बाद repetition में आएगा आपके पास. ठीक है. Now next is, after that there is li, it is a container tag. Li stand for list item, and here is class plus 1 plus 2, then close li. After that another list start here. तो यहां पे फिर से आपने लेना, ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड? ऑर्डर लिस्ट. तो ओएल टाइप इक्वल टू स्मॉल ए. ठीक है, स्मॉल ए. नाउ हियर इज एल आई. बेटा अब यहां पे थोड़ा सा आपने देखना है कि यहां पे हाइपरलिंक लगा हुआ. हियर इज अ हाइपरलिंक. तो यू विल स्टार्ट हियर ए. एट है HREF equal to 1.html. ठीक है, then your word is class plus 1, class plus 1, close anchor tag, close li. ठीक है, yes, doubt? कैसे? I'm not getting your point, Peter. यहाँ से? यहाँ पे शुरू कर दे. इससे पहले तो exam of classes after list आएगा फिर. नहीं, आप कह रहे हो इसमें एल आई लिख के आना. इसमें नहीं, ये आपका एग्जाम ऑफ क्लास है. ठीक है, क्लासेस है, इससे पहले ले कह रहे हो आप.
तो बेटा इसका फायदा क्या, बस अब कोडिंग इज, देखो इन HTML सम टाइम यू गेट द रिजल्ट बट टेक्निकली दैट इज रॉन्ग. ठीक है, द करेक्ट वे इज स्टार्ट द लिस्ट फ्रॉम इट, इट स्टार्टिंग हियर, इट इज वन, तो यहां से स्टार्ट करो. आप वहां से क्यों कर रहे हो उसको ऑलरेडी, ठीक है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिस्ट. नेक्स्ट इज क्लास प्लस टू, हियर यू यू विल टेक li, then anchor tag href equal to 2.html, then class plus 2 close anchor tag and close li. Now concept is clear, kaise le hyperlinks lagane hai, come this side aage. Then, okay student, now tell me, यहां पे लिस्ट खत्म हो रही है तो यू विल क्लोज ol here, ol will be closed. Now continue with the program. Then li, previous list is continue, ठीक है, अभी previous list चल रही है तो you will continue ly. Here is class 9th, 10th, class 9th, 10th, then li close. Now after that, another list start here, nested list, it is unordered and its type is circle. By default, disk hoti hai. Disk means, yahan pe color fill hota hai. Theek hai? If color is filled, it is a disk. If color is not filled, it is a circle. And third one is square. ठीक है, तो you will take here ul, circle. And there is no any attribute start in ul. ul में start attribute नहीं होता. Then here is first li, here is class 9, पर इसके ऊपर hyperlink है. Then how we can provide hyperlink with the help of anchor tag. three.html, then class 9th, close anchor tag, close li. Third class 10th again, class 9th ke baad class 10th here, then li, it is 4.html, class 10th, close anchor tag, close li. Then list complete. तो पहले unordered list complete होगी, then main list close. Clear? Now after that table is start here. So table is in the center of the web page. So you will take here table align equal to center, और क्योंकि outline visible है तो you will take border, ठीक है, border equal to ol बेटा, main list जो beginning में start की थी, शुरू में, that is a caption, caption is used inside the table tag, पहले start करना table tag. Then border equal to no attribute of caption here. ठीक है, table tag start, now caption नहीं बेटा, caption detail, caption close. Now these contents
तो आपने पहले टी आर शुरू करना है, टेबल रो, ठीक है, नो नो एनी एट्रीब्यूट बेटा. नाउ स्टार्ट टी आर, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो. आफ्टर दैट आपने चेक करना है ये टेक्स्ट जो है बोर्ड तो नहीं है और सेंट्रल लाइन तो नहीं है. इफ इट इज सेंट्रल लाइन एंड बोर्ड यूज टी एच, ठीक है, यस बोर्ड होगा और सेंट्रल अलाइनमेंट होगी, ठीक है. इफ इट इज सिंपल देन यू विल यूज टी डी, टेबल डेटा. टी आर स्टैंड फॉर टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर, टेबल हेडर, एंड टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा. तो अगर डेटा सिंपल है तो यूज टी डी. फर्स्ट आपने रो वाइज यू विल एड द डेटा, टी डी डेट, टी डी क्लास, टी डी डेट, क्लोज टी डी, टी डी क्लास, क्लोज टी डी. एनी डाउट इन हियर? देन क्लोज टी आर. फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकेंड रो अगेन टी आर, देन टी डी, हियर इज प्लस वन प्लस टू, यस बेटा. बेटा हियर वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, अब आई एम चेंजिंग दैट, ठीक है, यहां पे आपको ले लो इसको, डेट ले लो, इट इज हियर डेट, हियर इज क्लास, ओके. सो हियर आई एम टेकिंग क्लास, हियर हियर इज डेट. इन दिस केस हियर विल बी फर्स्ट क्लास then date. Now okay, हाँ अगर it is board and central line, center है तो you can use align attribute of tr tag. TR में लगा दो. इफ इट इज इन इन सिंगल रो सिंगल सेल तो TD में लगा दो. नो कैप्शन इज ऑलवेज इन सेंटर. क्लियर यहां तक? एनी डाउट हियर? अब आपके पास देन TD, हियर इज 28th. बेटा इफ TH, 8th का TH अबव द बेस लाइन देन यू विल यूज SUP, ठीक है. ये अगर टी एच ऊपर की तरफ हो, कर लोगे ना इसको, 28th अप्रैल, देन क्लोज टी डी, देन क्लोज टी आर. क्लियर? नाउ इन द सेम वे थर्ड रो भी आ जाएगी आपके पास. नेक्स्ट रो एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, विथ बॉर्डर, अलाइन, बीजी कलर, बैकग्राउंड. क्लियर? दीज आर दी, देन सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, दीज आर दी एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग. एट्रीब्यूट ऑफ टी आर टैग, लिसन, अलाइन वी अलाइन, अलाइन वी अलाइन, वी अलाइन मीन्स वर्टिकल. इफ योर टेबल का एक और भी एट्रीब्यूट है, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ, ठीक है. तो अलाइन, वी अलाइन, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ, वी अलाइन इज द एट्रीब्यूट ऑफ टी आर टैग, नॉट अ टेबल टैग. क्लियर? देन बीजी कलर, बैकग्राउंड, ये सारे आप लगा सकते हो. देन रोज पेन एंड कोज पेन, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ टी डी और टी एच टैग, नॉट टी आर टैग. अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने थर्ड लाइन नहीं लिख रहा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द कोडिंग ऑफ थर्ड लाइन, सेम होगा. देन क्लोज टेबल टैग, close table tag, and after that there is a one line, so use here HR, ठीक है. Now in contact us, this is in which direction? Right side.
तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में डायरेक्शन आएगी, यू विल हैव टू यूज पैराग्राफ टैग, ठीक है, और एच थ्री एच फोर टैग, ओके, तभी आपका अलाइनमेंट चेंज होगी। तो आपने यहां पे P टैग ले लो, अलाइन इक्वल टू दैट इज राइट, देन कॉन्टेक्ट अस, देयर इज ए हाइपर लिंक विद ईमेल आई डी, यू विल हैव टू यूज ए एच आर एफ इक्वल टू इन डबल कोट्स मेल टू, नो स्पेस बिटवीन मेल टू, एम ए एल ई नहीं लिखना, एम ए आई एल लिखना है, मेल जस्ट लाइक ई मेल, ठीक है, देन कॉलन ईमेल आई डी gmail.com डबल कोट्स क्लोज, ठीक है, देन हियर कॉन्टेक्ट अस एंकर टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, क्लियर। And in case image is in the web page, then you will have to use img tag. img attribute is src. देखो बेटा, present time में if you go 10 year and 15 year back, at that time Punjabi and Hindi ये font available नहीं थे। उस समय पहले type होते थे screen, computer में image बनती थी, image paste होती थी। तो क्या आप वापस return जाओगे lives में? जब आपके पास tables हैं, देखो बेटा, ये contents future में अगर आपको you want to add four records more, ठीक है? फिर से कोडिंग पिक्चर चेंज करोगे, एंड मोर ओवर जब आपके पास यू आर गेटिंग द डाटा फ्रॉम डेटाबेस, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली टेबल बन जाता है ना, अगर फाइव सब्जेक्ट है तो फाइव का टेबल, फाइव टेबल होगा, ठीक है, फाइव लाइंस होगी, तो वो डायनेमिक होता है। तो फ्यूचर में हम इस लाइन की तरफ जा रहे हैं कि वी आर डायनेमिकली जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने उतने वहां पे रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। तो दिस, सो दिस इज योर डाटा। Yes, online students, any doubt here, beta? Now, okay, main repeat kar raha hu, yes, body tag attributes, yes, repeat beta. First HTML, there are two attributes. One is LAN for language, DIR for direction. Okay? Then body tag attributes are BG color, background, A link, V link, link, text, top margin, left margin, then align, ठीक है, align body tag में नहीं आएगा, ठीक है, attribute नहीं है। Then in the case of your HR tag, attributes are size, width, align, no shade, color, clear? In the case of table tag, attributes are BG color, background, then align, there is a border, then there is a cell padding, cell spacing. In the case of TR, A link, V link, BG color, background. Okay, two more attributes, frame and rules. These are the attribute of which tag? Table tag. Clear? If we want to displace only, yes, Raghav. Frame is linked with outer borders. And the rules are linked with internal borders. Clear? So these are the all about your HTML.